हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस इन डबल बॉन्ड एंड कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। आपको भी मालूम है डबल बॉन्ड जब भी होगा या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा, इलेक्ट्रॉन रिच भी होगा रेजोनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां माइनस है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है जो कि एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा, हाँ या ना? फिर उसके बाद ये प्लस और ये माइनस मिलके एक नई स्ट्रक्चर बना देंगे और वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा। यस और नो, कोई दिक्कत? अगर आप ये देखिए कि अगर जिस पे डबल बॉन्ड है वही माइनस पे है तो क्या ऐसा रेजोनेंस हो सकता है क्या? नहीं, कहाँ होगा? नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड यानी जो भी मल्टीपल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, यानी उसके पास वाले कार्बन से दूसरे कार्बन में, तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो यहां रेजोनेंस देखने को मिला है, पहले माइनस इस कार्बन पे था, रेजोनेंस की वजह से वो इस कार्बन पे चला गया है। ठीक है, या सुनो, तो हमने क्या सीखा इस पूरे पॉइंट में? हमने ये सीखा है, लिखिए, लिखते जाए मेरे साथ, इफ डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एंड कार्बो एनायन आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, इन कॉन्जुगेशंस। Then it will show resonance. तो देखिए अगर आप इसको देखते हैं, किस चीज को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां नेगेटिव चार्ज है तो यह भी कॉन्जुगेशन सिस्टम कहलाएगा क्या? नहीं, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, और ये इसीलिए रेजोनेंस शो करेगा। देन इट विल शो रेजोनेंस, हाँ या ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये हमारी थ्योरी है, ये हमारा एग्जांपल है। अब आगे, तो ये तो हमारे पास क्लियर है कि हम रेजोनेंस करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड वर्सेस कार्बो एनायन। ठीक है, तो लिखते चले जाए इसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो हम शो कर रहे हैं कि ये अल्टरनेट यहां से सीधा कहां गया है, इस जगह गया है, जैसे कार्बो कैटायन जा रहा था अल्टरनेट पोजीशन पे, वैसे ये जाएगा। ये नहीं कि यहां से ये बाजू वाले कार्बन पे जाएगा, नहीं, हमेशा कार्बो कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज विल ट्रांसफर टू अल्टरनेट पोजिशन। ये हमारे लिए सेकेंड पॉइंट हो गया, इस चीज को देख के, चार्ज भले वो कैटायन हो या एनायन इन रेजोनेंस ट्रांसफर टू अल्टरनेट कार्बन, अल्टरनेट कार्बन पोजिशंस। तो अल्टरनेट कार्बन का मतलब आपके पास आ चुका है, एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं इसको। देखिएगा, मान लीजिए यहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, समझना, तो रेजोनेंस की वजह से आपका ये वाला इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं, फिर हम अगर इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो यहां पर भी बिल्कुल, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर है उसके पास, वो लोन पेयर इधर आया और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बन गया। समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड पहले क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में? एटॉमिक ऑर्बिटल में। पाई बॉन्ड हमेशा कहां रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो ये पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल में ही आया। ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर की खास बात क्या होती है कि लोन पेयर हर जगह रह सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी रह सकता है
और एटॉमिक ऑर्बिटल में भी हो सकता है। लेकिन जब उसे दिखाई दे रहा है कि मैं रेजोनेंस में जाना चाहता हूं, तो शुरुआत से ही वो किस में मेंटेन करके रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। समझ में आ रही है बात? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में ही है इस समय, ये वाला नेगेटिव चार्ज यानी कि ये लोन पेयर। एटॉमिक ऑर्बिटल जानते हो ना आप कैसे रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं, ये दोनों तरफ बराबर रहते हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि ये जनरली प्लेन में होते हैं। आ रही है बात समझ में? ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं लेकिन जनरली प्लेन में होते हैं। पक्का? कोई डाउट? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से एटॉमिक पाई बॉन्ड में आ गया, पहले लोन पेयर था अब पाई बॉन्ड बन गया, ये पहले पाई बॉन्ड था अब क्या बन गया? लोन पेयर। अच्छे समझ में आ गया? तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया यहां पर, यहां माइनस आ चुका है और ये पाई बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, ये वाला लोन पेयर वापस इस तरफ आया तो ये यहां आ जाएगा, तो आपको अगला दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि ये पाई बॉन्ड यहां आया, नेगेटिव चार्ज यहां आया। फिर उसके बाद आप जब दोबारा करेंगे तो ये आपको वैसा ही दिख जाएगा जैसा कि पहले था, रिपीट हो जाएगा। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब अब तीन से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा आपको? माइनस डेल्टा यहां पर भी है, माइनस डेल्टा, और आप इसको किस तरह से बता सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो -1। तो क्या आप इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बता सकते हो? हाँ। क्या आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता सकते हो कितनी बनेगी? हाँ। कितनी बन रही है? 3। तो देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। आपको इसमें एक हिंट की जरूरत थी कि सर वो एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बार और समझा देते। तो देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक। ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मैं बनाने वाला हूं, तो ये पाई बॉन्ड बन गया ऊपर नीचे, क्लियर है? और यहां जो है इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और दो इलेक्ट्रॉन है बस। तो कार्बन के पास लोन पेयर आ रहा है और विद 3 वैलेंसी। 3 वैलेंसी कहां दिख रही है? एक ये और एक हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ तो ये भी है। समझ में आ रही है बात? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में ही रहेगा क्योंकि इसे मालूम है मुझे रेजोनेंस करना है। तो जब ये रेजोनेंस करके ये वाली पोजीशन में आएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड कहां जाएगा? यहां, और ये वाला यहां आने की कोशिश करेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि अब पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में रहेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ। ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो कार्बन के पास देखा जाए तो कितनी वैलेंसी हो गई? अब 3 वैलेंसी, एक लोन पेयर। यहाँ 3 वैलेंसी नहीं, 4 वैलेंसी, 1, 2, 3, और पाई बॉन्ड भी तो वैलेंसी है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये 4 वैलेंसी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी आप चाहो तो यहाँ बीच में बना लो एक एक, ठीक है? तो यहाँ आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो आपको बहुत छोटे छोटे फंडे क्लियर होंगे कि पहला फंडा तो ये क्लियर होगा कि कार्बन पे जब भी लोन पेयर है तो वो न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन पे बिना नेगेटिव चार्ज के भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन में बिना नेगेटिव चार्ज के भी लोन पेयर होता है, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी लोन पेयर नहीं आएगा क्योंकि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से भी वो क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन डाल दो उसमें, नेगेटिव चार्ज भी आ गया लेकिन फिर भी लोन पेयर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करो। तो क्या आपको ये रेजोनेंस वाला समझ में आ गया फंडा? तो इससे क्या पता चला है मुझे, एक और की पॉइंट मुझे यहां पर पता चला है, वो ये है, इफ नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर प्रेजेंट
इन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। और अगर किसी के पास दो लोन पेयर है तो और रेजोनेंस भी है, तो एक तो होगा रेजोनेंस में और एक होगा हाइब्रिड में। इफ टू लोन पेयर आर प्रेजेंट टू लोन पेयर ऑफ सेम एटम, आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस, देन वन विल बी इन एटॉमिक ऑर्बिटल वेयर एज सेकेंड विल बी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स बहुत मिलती जुलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो मैं बार बार बोलता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। फिर एक टर्म और होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वह हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेंस से मिलके बनी हुई है, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, अंतर है। हाइब्रिड बनाइए तो हाइब्रिड बनाइए का मतलब ये वाला हाइब्रिड मत बना देना आप, जब भी रेजोनेंस का मतलब यानी हाइब्रिड का मतलब ये वाला। हाइब्रिड का बेसिक मीनिंग क्या है, आप उनको मिला के मिक्स चीज बना दो। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये भी मिक्स ऑर्बिटल बनते हैं बॉन्डिंग के समय, जो आप बॉन्डिंग में पढ़ते हो। तो हाइब्रिड के दो वर्ड आ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं और कंफ्यूजन आता है कि कल सर बार बार बोलते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, तो मैं कहीं क्या मीनिंग निकल रहा है वो भी जरूरी है। इस जगह हाइब्रिड का मतलब हो रहा है कि सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिला के जो बन रहे हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी, और यहां मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपकी बात इस वाले ऑर्बिटल से करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये तीनों पॉइंट लिखे हैं किसके लिए, नेगेटिव चार्ज वर्सेस डबल बॉन्ड, यानी कार्बोकेटायन कार्बोएनायन वर्सेस डबल बॉन्ड, कोई डाउट नहीं है, श्योर। तो ये हमारे पास बहुत इजी वे हो गया, आप इसको समझ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस और कर सकते हैं हम। चलिए ठीक, लिखें इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आने वाले हैं, एक एक करके शुरू करें एग्जाम्पल्स के साथ जिससे हमारे लिए क्लियर है। ये हमारे पास माइनस है, समझ रहे हैं आप बात, बता सकते हैं कितनी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, सॉरी हाइब्रिड तो एक ही बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, पांच। कैसे, कभी ये नेगेटिव चार्ज यहां होगा, एक दो तीन इस जगह पक्का, तो एक दो तीन चार और ये खुद के ऊपर पांच, इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे, हाँ दिया हुआ है लेकिन है तो रेजोनेटिंग, तो ये रेजोनेटिंग है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हाइब्रिड होगी और वो हम आगे लिखते चले जाएंगे। देखिए पहले ये अपने आप में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, तो हमें डबल एरो की जरूरत पड़ेगी इस तरह के मूवमेंट के लिए, क्योंकि यहां हम हमेशा एरो किसके लिए बताते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो यहां मूवमेंट ऑफ चार्ज दो जगह हो रहा है, पहले एक तरह से देखा जाए तो लोन पेयर पाई बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड लोन पेयर बन रहा है, तो हमें कितने एरो की जरूरत होगी, दो। तो ये हमारे लिए एक और पॉइंट हो गया जो आपके लिए काम आएगा, जबकि आपको याद है केटायन के अंदर ऐसा नहीं था, हमारे को सिर्फ हमारा लोन पेयर जो था, सॉरी लोन पेयर था ही नहीं, एक पाई बॉन्ड वापिस पाई बॉन्ड बन रहा था, ध्यान दीजिए ये था हमारे पास, तो ये पाई बॉन्ड हमारा क्या बन रहा था, पाई बॉन्ड ही बन रहा था, अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो। ये इस तरफ गया, बोलो यस और नो, तो हमें कितने एरो की जरूरत होती थी, तो एक, क्योंकि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, यहां दो एरो की जरूरत होगी। तो ये भी हमारे लिए पॉइंट हो गया, क्या पॉइंट हो गया हमारे लिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, मैं हमारे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं,
इन अबाउ रेजोनेंस, इन अबाउ रेजोनेंस वी नीड इन अबाउ रेजोनेंस फॉर शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस वी नीड टू कर्व एरो, टू कर्व एरो वी नीड टू कर्व एरो टू शो मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज बिकॉज बिकॉज इन दिस केस लोन पेयर कन्वर्ट इन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट इन लोन पेयर। तो ये बात हमारे पास तय हो गई कि ये अभी लोन पेयर था, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर पे। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आती है, वो क्या हो गया, लोन पेयर। सही है, साउंड। तो कहीं कोई दिक्कत आई आपको ये समझने में। दूसरा, ये इस तरफ से आ चुका है तो हमारे लिए ये क्या रहेगा, ये वापस इस तरफ से आ जाएगा और ये माइनस, और ये हमारे पास यहां आ जाएगा। यानी ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हुआ, पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड नहीं, अब इधर नहीं, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हुआ और फिर पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हुआ, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल गई और यहां आ गया। फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड लोन पेयर में, तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पाई बॉन्ड, और ये हमारे पास, फिर ये पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड लोन पेयर में, तो ये हमारे को वापस यही स्ट्रक्चर मिल गई है जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो ओवरऑल हमारे को कितने स्ट्रक्चर मिली है इसके, पांच। तो बताइए इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी हमारी डॉट 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 माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन बाई फाइव और माइनस वन बाई फाइव, या आप बोल सकते हो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी। कोई डाउट, तो आप बताइए किसी भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ध्यान से, क्या लोन पेयर हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल में रहा है, यस। पैदाइशी लोन पेयर एटॉमिक से चालू हुआ था, एटॉमिक में ही रहेगा। यानी एक और पॉइंट हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, एटॉमिक ऑर्बिटल ही करते हैं। इसलिए ये लोन पेयर पैदा ही एटॉमिक ऑर्बिटल में हुआ है, बात ध्यान रखना, ये पॉइंट भी हमारे लिए उड़का है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार बोलता हूं ये, ऑलवेज रिमेंबर दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर हाइब्रिड कर सकते थे तो बात ही क्या होती, लेकिन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्लियर हो गया एग्जांपल्स के साथ। कुछ और एग्जांपल जो आप कर सकते, आपको अगर केवल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता इसका, तो आप डायरेक्ट बना सकते थे। कैसे, आपको मालूम है माइनस यहां पर है और कॉन्जुगेशन पूरा सिस्टम है, सारे sp2 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 है, तो आप क्या करते sp2 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 करके इस तरह से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी
माइनस यहां आता, कभी अल्टरनेट में यहां आता, फिर इसकी अल्टरनेट यहां जाता, फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन में यहां आता, और फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन में यहां आता, फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन में वापस वहीं आ जाता जहां से होता, क्योंकि पांचों में बराबर बढ़ता है, तो हम 1/5 लिख सकते हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है? तो यही हमारा रूल रहेगा। तो ये जितनी भी ऑड कार्बन स्पीशीज वाली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑड कार्बन का मतलब 3, 5, 7, 9, इनमें क्या देखने को मिलता है मेरे को कि ये अल्टरनेट पोजीशन करके पूरे में घूम जाते हैं। लेकिन जितनी भी इवन कार्बन स्पीशीज है, अब आप इवन बना लीजिए, देखो इवन कैसे बनाओगे, मान लीजिए यहां पर नेगेटिव है, समझना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन यहां पाई हो गई, यहां पाई हो गई अल्टरनेट। अब इसकी अल्टरनेट पोजीशन कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी। अब यहां होती है दिक्कत हो गई, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पाई बॉन्ड आ गया, तो रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, माइनस चार्ज या पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो वो माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, पाई बॉन्ड की, क्योंकि वो पैदाइशी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसलिए वो रोटेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए मेजर पॉइंट्स होना चाहिए लिखने वाला। इन दिस केस अगर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ है, इन दिस केस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन देन नेगेटिव चार्ज कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये आपके अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे कि आपका काम भी चल जाए, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड इट इज लेस स्टेबल, ये भी लिख लीजिए, एंड इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। रेजोनेंस से क्या है, चार्ज का डिस्पर्शन होता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अब अगर आप इस तरह के कंपाउंड्स को रेजोनेंस में लाना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज दिस दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तो लगा नहीं सकते, तो पास वाले पे भी क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज, अब आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा पक्का। कैसे, देखो ये तो मानते हो कि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से यहां आपके पास, मान लीजिए अभी इस समय कुछ देर के लिए ये वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो ये माइनस यहां आ गया, ये माइनस यहां आ गया, सही है, तो क्या नेगेटिव चार्ज यहां पर दिखाई दिया, यहां पर भी दिखाई दिया, हाँ, फिर उसके बाद ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, अब ये ब्लॉक हो गया, इधर ब्लॉक हो गया, यानी कंटिन्यू सीक्वेंस नहीं जा पाएगी। अब दूसरी तरफ कैसे रेजोनेंस देगा ये, अब दूसरी तरफ से देगा, यहां से ये वाला रेजोनेंस में करेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव यहां आया, ये यहां आ गया, आ जाने दो, अब ये सॉरी 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 गलत, हम हमेशा पहले किसको लाते हैं, लोन पेयर को, और फिर लोन पेयर को पाई बनाते हैं, और पाई को फिर लोन पेयर बनाते हैं। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, आप ये देखेंगे कि ये यहां बन गया,
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही 10, तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, मुझे तो 5 दिख रही है, ठीक है। पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है और कुल मिला के हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। देखो इस पे यहां दिखा, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ये रहा, और यहां पर भी दिख रहा है। तो यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो कोई अच्छे समझ में आ गया? तो ठीक है, जब आपको आई गया तो मैं भी क्या बताऊं। यस, तो बताइए इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? डॉटेड -2, यही लिखोगे? ये हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है और -2। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती थी इसकी, लेकिन हमने इतने से भी क्लियर कर दिया कि ये है। तो बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो आपके पास जब भी आपको बनाना हो तो आप देख लो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में, कार्बन के किस ऑर्बिटल में? एटॉमिक ऑर्बिटल में। कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4, s px py pz। आप इसको समझना एक बार और, कार्बन के पास कितने होते हैं? s px py pz। अगर उसने ये वाला यूज कर लिया किसको? लोन पेयर देने को, क्योंकि पहले ही मैंने बोल चुका है लोन पेयर कहाँ होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो ये लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल में रहा तो अब उसके पास कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ 3 बचे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। पक्का? जब पाई बॉन्ड बनता है तब भी उसके पास कितने होते हैं? अगर उसके पास एक पाई बॉन्ड बना तब उसके पास कितने बन जाएंगे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। अगर दो पाई बॉन्ड बन गए तो क्या रह जाएगा? sp। तो ये बात आपके लिए दिमाग में अंदर तक क्लियर रहनी चाहिए कि एक पाई बॉन्ड बना sp2, एक और बना, तो इसका मतलब जैसे जैसे पाई बॉन्ड बनते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कम होते चले जाएंगे। तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आने पर भी वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल रखेगा और तब भी sp2 होगा। इज दैट क्लियर? एक अच्छा पॉइंट था आपके पास। लेकिन अगर कभी ऐसा है नेगेटिव चार्ज, अब ये रेजोनेंस में तो है ही नहीं, जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो बताइए यहां पर ये लोन पेयर किस में रहना पसंद करेगा? हाइब्रिड में या रेजोनेंस? एटॉमिक में, हाइब्रिड में। तो फिर चारों अवेलेबल हो गए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3। बिल्कुल सही है, पक्का? अब यहां अगर ये प्लस है और रेजोनेंस नहीं है तो ये तो खाली है, खाली ऑर्बिटल ना, तो खाली ऑर्बिटल तो खाली होता है, वो तो हाइब्रिडाइज वैसे ही नहीं कर सकता। तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में हो या ना हो, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे बॉन्डिंग के लिए? सिर्फ 3। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो वो पैदाइशी sp2 हो गया, कोई डाउट नहीं है? अच्छे समझ में आ गया? तो ये आपके दिमाग में अंदर तक बैठा रहना चाहिए अब। तो हमारे लिए एक और रिजल्ट आके रह रहा है कि कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। मैं लिखा रहा हूं ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखिए कंडीशंस, तीन नेगेटिव की, इससे ज्यादा और क्या होगा? समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 6 केस लिए हैं अलग अलग।
बताइए यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे? बताइए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाएंगे हाइब्रिड के लिए? हाइब्रिड, मेरे ख्याल से इस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, तो चारों ही क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर भी यही होगा, तो एस पी एक्स पी वाई पी जेड, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? यहां कितने होंगे? एस पी एक्स पी वाई। पता है क्यों? क्योंकि यहां जो ये होगा वो लोन पेयर होगा, लोन पेयर इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मजबूरी है उसकी, क्योंकि वहां उसे फायदा मिल रहा है, लोन पेयर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। कुछ समझ में आ रही है बात? एक और चीज, यहां पाई ऑन कोई रेजोनेंस नाम की चीज है भी नहीं, और अगर होती, चलो ये होती भी मान लिया, तब भी पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी होती, तो ये इसके साथ तो ये करेगा, तो ये लोन पेयर कहां होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता तो एस पी एक्स पी वाई, इसमें लोन पेयर होगा एक में, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड कहां से बनेगा? पी जेड से, एक एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहां पर sp2। यहां देखो इस जगह, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो खाली ऑर्बिटल है, तो खाली ऑर्बिटल है तो तीन ही तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? यहां पर sp2। यहां देखो, यहां पर भी ये खाली है एक तरह से, इसका मतलब इसमें लोन पेयर है, इसमें खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, वो तो यहां पर भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो एस पी एक्स पी वाई रेजोनेंस में भी आएगा तब भी खाली था, तो आंसर क्या जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। यहां देखो इधर, अगर यहां पर भी प्लस लगा दिया तब आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से सुनना, एस और पी एक्स, क्योंकि पाई बॉन्ड पी वाई से बन रहा है और ये खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है एम्प्टी पी जेड, तो पी जेड एम्प्टी है, तो वो तो वैसे हाइब्रिड में नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है? सिर्फ पी वाई आ रहा है यहां पर। तो बताओ दो ऑर्बिटल तो गए, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए, एक खाली, तब बचा क्या? एस पी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? एस पी। समझ में आ रही है बात? तो आपको मैंने चार केस बता दिए, दो तीन चार पांच छह, छह केस बता दिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कब आप कैसे लेंगे लोन पेयर, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है। वैसे ये पार्ट बॉन्डिंग का बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे यहां समझाने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं पढ़ते आप, ठीक है? तो आपको अच्छे समझ में आ गया ये, एक बार और बताना है सबको पक्का? तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है आफ्टर दिस रेजोनेंस। तो जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए और वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, तो आप उस नेगेटिव चार्ज यानी उस लोन पेयर को रेजोनेंस में काउंट कराने के लिए उसे एटॉमिक ऑर्बिटल में डालेंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल में डालने से हाइब्रिड ऑर्बिटलों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल चार थे, चारों ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया। चार थे, एक ने मना कर दिया, तीन रह गए। चार थे, इसने तो मना कर दिया, मैं तो पाई बॉन्ड हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनूंगा, तेरी मर्जी। उसने कहा जब तू रेजोनेंस में है तो मैं तो वैसे ही नहीं आ सकता रेजोनेंस में, तो ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि यार मैं तो हाइब्रिड में ही रहूंगा फिर। तो एक इसका, एक इसका, और एक हाइड्रोजन और जुड़ रहा है, इसकी चार वैलेंसी होती है ना, एक दो और तीन, तो इधर और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यानी अभी भी अगर आप इसको समझ रहे हो, तो एक दो और ये तीन, एक दो तीन, sp2 आएगा, यहां पर प्लस है, कहता है मैं तो एम्प्टी ऑर्बिटल हूं, मैं तो हाइब्रिड वैसे ही नहीं कर सकता, तो एक दो तीन sp2, यहां पर प्लस है,
लेकिन ये प्लस रेजोनेंस में उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस पी एक्स पी वाई। यहां पर प्लस भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो दो बच गए, एक खाली है और एक पाई, इसको तो पाई से ही बनना है, पाई तो एटॉम से ही बनना है, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में काम आ गया और एक खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए दो तो खत्म हो गए, तो बचे कितने, सिर्फ दो ही, एस और पी एक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एस पी, कोई दिक्कत नहीं है। एस पी हाइब्रिडाइज लीनियर होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यस और नो, पक्का? तो आप मुझे ये बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन हम शुरू से ही कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर फिनोमिना है, प्लेनर होने का रीजन क्या है, कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो कभी एक भी करा तो ये वाली चीज तो आएगी नहीं, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा ही नहीं, तो बचे ये दो चारों, एक दो तीन चार पाँच, यही केसेस बनेंगे। और ये केसेस में दो ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिख रहे हैं आपको, या तो एस पी या फिर एस पी टू, एस पी एस पी टू दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब साफ है कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा प्लेन में ही होगा और प्लेनर फिनोमिना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्योर, लॉक कर दूं मैं? तो आप फिर इसको थोड़ा सा और ज्यादा देखें, एग्जाम्पल, क्या ये कॉन्जुगेशन में है पूरा सिस्टम? हाँ, अगर आप इसकी हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत इजी वे में बना सकते हैं। कैसे? ये लोन पेयर इधर गया, ये इस तरफ गया, पहला ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ, फिर ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, दो आपको कर्व एरो की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो आपके पास क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और माइनस चार्ज यहाँ आ गया, फिर बैक टू पेवेलियन वैसे ही जाएगा जैसे आया था, तो कुल मिला के आपके पास हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका आपका हाइब्रिड बनेगा, डॉटेड 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 डॉटेड, और यहाँ माइनस डेल्टा, फिर अल्टरनेट में माइनस डेल्टा, फिर अल्टरनेट में माइनस डेल्टा, कोई डाउट नहीं है। ये एक और एग्जांपल आप कर सकते हो, आपको मालूम है हर कार्बन पे जाना तय है या नहीं है, जब हर कार्बन पे जाना तय है तो ये डॉटेड करके आप माइनस टू लिख दीजिए, सीधा हाइब्रिड बना दिया, कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट लॉक कर दें। तो चलिए यहां तक आप कर चुके, लिखे इनको, हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हैं, ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग दिस, मेरे पास ये दिया हुआ था, मुझे मालूम है ये पाइप ये एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा और यहाँ sp2 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 सब जगह sp2 है, तो इस हिसाब से ये डॉटेड इस तरह रहेगा, अल्टरनेट में जाएगा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, बस या तो यहाँ यहाँ या यहाँ यहाँ, हर जगह नहीं होगा चार्ज। या सुनो, तो हाइब्रिड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, यहाँ हमारे साथ क्या रह रहा है कि डॉटेड कर सकते हैं हम, और माइनस हर जगह रहेगा क्योंकि इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये, तो इसकी यहां पर भी आएगी पक्का, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी रहेगी, यहां पर भी रहेगी, तो कुल मिला के मैं या तो माइनस टू ही लिख देता हूं, यहां पर हर जगह माइनस टू बाई सिक्स यानी माइनस वन बाई थ्री लिखने से अच्छा है हर बीच में मिला के माइनस टू, क्योंकि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूछना है किसी को? नहीं। यहां देखो, ये माइनस अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा यहां, तो ये एसपी टू एसपी टू एसपी टू, ये एसपी टू, ये एसपी टू एसपी टू, पूरा एसपी टू है, तो यहां से ये डॉटेड होता हुआ माइनस डेल्टा चार्ज या तो यहां होगा, इसके अल्टरनेट में यहां होगा, इसके अल्टरनेट में यहां होगा, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में माइनस, ना कि इधर है,
तो यहाँ होगा, फिर इसके साथ ये यहाँ होगा, फिर इसके साथ ये यहाँ होगा और वापस बैक टू पेवेलियन चला जाएगा। इसके अल्टरनेट में यही आता है, ये नहीं आता। तो हर जगह नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? एक यहाँ पर, दो, तीन, चार, चार पोजीशन में नहीं होगा, और पांच पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, इसका हाइब्रिड बनाना है हमारे को। तो यहाँ डॉटेड 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 डॉटेड, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो मुझे माइनस यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है। सही है, यहाँ मुझे डॉटेड 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 डॉटेड, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हाइब्रिड आपको बनाना है, तो माइनस डेल्टा यहाँ बस यहीं तक है रेजोनेंस, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं लेगा पार्टिसिपेट, तो यहाँ दिखेगा या यहाँ दिखाई देगा, बस दो जगह। यहाँ अगर आप देखते हैं इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये हो गई, इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये, यानी चारों जगह आपको दिखाई देगा, तो आप -2 यहाँ लिख दो सर्कुलर बना के। तो ये आपके पास, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, तो हाइब्रिड की बात ही नहीं रहेगी, इसकी एक ही स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ पर माइनस डेल्टा यहाँ रहेगा, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहाँ रहेगी, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहाँ पर भी रहेगी, sp3 नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका ये यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहाँ जाएगी, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहाँ जाएगी, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। तो कभी ना कभी करते हुए सब जगह आपके पास इस जगह रेजोनेंस देखने को मिलेगा, तो ये -1 लिख सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है। बहुत फर्क होता है, एक तो ये नहीं होना, नहीं होने का मतलब तो साइक्लो हेप्टेन हो गया और गोला बना दिया, तो इसका मतलब कंटिन्यू रेजोनेंस में है विद नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है यहां रेजोनेंस है नहीं है। देखिए बहुत अच्छा है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरोन को किस तरह से ट्रीट करते हैं हम, कार्बन प्लस की तरह, तो फर्क क्या पड़ेगा? ये एक तरह से रोटेट हो गया क्योंकि ये दोनों में बॉन्ड बन गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा कि इसमें बॉन्ड बन जाएगा। तो अंतर क्या होगा, ये बोरोन रहेगा, लेकिन अब इसने तो अपना दे दिया, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम इसी के पास रहेगा और बाकी के पाई बॉन्ड आते ही वो रेजोनेंस में आ गए। कोई डाउट? आप खुद देखो, नेगेटिव और एम्प्टी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बन गया, तो जैसे ही पाई बॉन्ड बन गया तो पाई 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 कॉन्जुगेशन में आ गए वो, तो और नेगेटिव चार्ज किस पे बना रहेगा, बोरोन पे, बहुत कम समय के लिए ये इस तरफ भी रहेगा। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से, हाँ या ना? लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि यहां पाई बॉन्ड बना बिल्कुल, तो कार्बन, ये बोरोन की अब कितनी वैलेंसी आ गई, चार, एक दो तीन तो है ही पहले से, पाई बॉन्ड बनती चार, तो बोरोन अब क्या बन जाएगा, सी माइनस, सी माइनस आती पाई बॉन्ड आ गया, तो मैक पाई बॉन्ड आते ही तो कितना स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, बॉन्ड बहुत ज्यादा हो गए, सब कुछ हो गया। इस कारण मैक्सिमम टाइम बॉन्ड पे, बोरोन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये रेजोनेंस देखो, बहुत इजी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो माइनस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा अल्टरनेट पोजीशन पे ही जाएगा। तो यहाँ आप अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये आपके लिए सारे हाइब्रिड हो गए, बहुत अच्छे हाइब्रिड बनाए। कुछ पूछना है किसी को, 1 से लेके 12 तक कोई डाउट? मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप पूछिए। श्योर सबको समझ में आ गया? कोई भी अच्छा डाउट नहीं है?